ये सच है कि सफलता और ख्वाब के बीच गरीबी जब आ जाती है तो रास्ते थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन जज्बा और लगन हो तो हासिल से परे कुछ भी नहीं होता। ये बात एक नहीं कई बार बिहार के बेटों और बेटियों ने साबित किया है। ये और बात है कि खेल और खिलाड़ियों को अब तक वो सम्मान यहाँ की सरकार नहीं दिला पाई जिसके वो हकदार रहे हैं। खैर, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब एक छोटे से गांव से निकलकर बिहार के किसान की बिटिया ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद पूरी दुनिया में उसका नाम गूंजने लगा है। कौन है पटना की कृति और कैसे उसने एक दो नहीं बल्कि न्यूजीलैंड में जाकर 6 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। इतना ही नहीं, इस बिहार की बेटी को बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने खुद आगे बढ़कर शुभकामना भी दी है। तो आइए जानते हैं बिहार का मान बढ़ाने वाली इसी माटी की बेटी कृति के बारे में सब कुछ। दरअसल पटना की बेटी कृति राज सिंह ने न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल जीतकर बिहार का नाम रोशन कर दिया है। सब जूनियर 57 किलोग्राम भार वर्ग के 3 इवेंट में कृति ने जीत का परचम लहराया। न्यूजीलैंड से नई दिल्ली पहुंचने पर फोन पर कृति ने बताया कि रो बैंड प्रेस में 1 स्वर्ण, इक्विप्ड बेंच प्रेस में 1 स्वर्ण और होल पावर लिफ्टिंग में 95 किलोग्राम भार उठाकर 4 स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। दरअसल कृति राज ने यह भी बताया कि वो पटना जिले के खुसरूपुर प्रखंड के बड़ा हसनपुर गांव की रहने वाली है। उनके पिता ललन सिंह यादव साधारण किसान परिवार से आते हैं और वो भी एक किसान ही है। कृति 5 बहन और 3 भाई है। वो गुवाहाटी के रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन कॉलेज से फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। कृति ने बताया कि उसने 10वीं तक की पढ़ाई गांव में ही की है। बिहार की बेटी कृति राज की सफलता पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी जीत से पूरा प्रदेश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बधाई मिलने के बाद मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कृति ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो खेल जगत को मदद के लिए आगे आए ताकि खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को और भी निखार सके। कृति राज ने बताया है कि वो स्कूल के समय से ही खेल में रुचि लेने लगी। वो मदद मांगने के लिए कई बड़े नेताओं के पास भी पहुंची, लेकिन सभी जगह केवल आश्वासन ही मिला। जब कृति थक हार गई और उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी, तब उसकी मदद एक आईपीएस अधिकारी ने की। उस दौरान आईपीएस अधिकारी की वो मदद कृति के लिए संजीवनी से कम नहीं थी। कृति ने कहा कि कोच कर्ण कुमार की देखरेख में मेहनत कर इस मुकाम तक पहुंच पाए हूं, जिसके बाद काफी खुशी भी महसूस कर रही हूं। कृति की इस खुशी में पूरा बिहार शामिल है, पूरा देश शामिल है और बिहार के लोग तो खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि बिहार की बेटियों ने समय समय पर ये बताने का काम जरूर किया है कि हम किसी से कम नहीं है। जहां देश विदेश में बिहार के बेटों ने अपने हुनरमंद होने का परचम जोर शोर से लहराया है, तो वहीं बिहार की बेटियों ने भी 2 कदम आगे बढ़कर देश और विदेश में बिहार का नाम रोशन किया है और लोगों को मजबूर कर दिया है ये जानने के लिए कि आखिर बिहार की माटी में ऐसा क्या है जो कि इतनी प्रतिभा पैदा करता है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।